जय हिंद एवरीवन। अभी आपने हाल ही में देखा कि कल एनडीए का रिजल्ट आया है और मीन वाइल सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2023 का भी रिजल्ट आया है और दोनों ही एग्जाम यूपीएससी द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं। मीन वाइल मैं आपको यह बता दूं कि जैसे आपको पता है सीडीएस का एग्जाम भी यूपीएससी द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, एनडीए का एग्जाम भी सेम डेट पे था और सीडीएस का एग्जाम भी सेम डेट में था। तो स्टूडेंट्स वरी हो रहे होंगे इस बारे में कि सीडीएस का एग्जाम का रिजल्ट क्यों नहीं आया अभी तक और वो कब तक आएगा, ये कॉमन डाउट्स रहते हैं। देखिए स्पैम मैसेजेस आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं विद इन ए वन वीक आपको सीडीएस का एग्जाम का रिजल्ट मिल जाएगा। एक्चुअली जिन स्टूडेंट्स ने अच्छा परफॉर्म किया है उनको तो अपना आंसर की मैच करके उनको पता चल ही गया होगा कि वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। जो स्टूडेंट्स आपका एक बार रिजल्ट आने के बाद हम फिर से इस बारे में बात करेंगे, जो स्टूडेंट्स में विदाउट ए सेकेंड थॉट इस एग्जाम को क्लियर कर रहे हैं वो अपनी एसएसबी की पे फोकस बढ़ा दें, क्योंकि एसएसबी आपसे डिमांड करता है ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ओवरऑल 15 ओएलक्यूज। आप जबरदस्ती उन ओएलक्यूज को कहीं डालेंगे किसी के कहने पे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, कहां से होगा। इसीलिए यही रीजन रहता है कि एसएसबी में रिजेक्शन रेट इतना हाई रहता है। आपकी जो ओएलक्यूज है इनको टोटल 3 ऑफिसर्स के अंडर रखा जाता है, जिसमें साइकोलॉजी टेस्ट में फर्दर प्रोसेस होती है आपकी और एक पूरा मैकेनाइज्ड वे में टोटल 5 डे प्रोसेस को इसलिए डिफाइन किया गया है, इसमें पूरा सिस्टमेटिक वे से एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में आपसे वो प्रिपरेशन डिमांड करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी में वो ट्रेट्स डिमांड करते हैं जो एक ऑफिसर के अंदर होनी चाहिए। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये यह है कि जिन स्टूडेंट्स को ये है कि क्लियर कट शॉर्ट ये है कि मेरा एग्जाम क्लियर हो रहा है, वो एसएसबी के लिए तैयारी स्टार्ट कर दें। और एसएसबी को आप ऐसे तैयार मत कीजिए कि 10 डेज का मैंने ये कोर्स लिया है और 10 डेज में एसएसबी प्रिपेयर हो गया, 14 डेज में एसएसबी प्रिपेयर हो गया। 10 डेज में 14 डेज में आप उस प्रोसेस से अवेयर होते हो ना कि उस प्रोसेस को प्रिपेयर कर लेते हो, दोनों में बहुत डिफरेंस है। आपको अवेयर तो हो जाओगे लेकिन उन कमियों पे काम कैसे करना है, उन आपके अंदर कमियां क्या है पहले तो यही बात लोग नहीं करते हैं, और फिर अगर कमियां हैं तो उनको सुधारे कैसे, उन कमियों पे काम कहां से करें, क्या ऐसा करना होगा कि वो कमियां दूर हो जाएं और वो क्वालिटीज हमारे अंदर आ जाए। तो इसी के रिगार्डिंग आपको आने वाले टाइम में हमारे यूट्यूब चैनल पे गाइडेंस देखने को मिलेगी, जिसमें हम आपको टेलीग्राम चैनल पे भी कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे जो आपके लेक्सेट और साइकोलॉजी टेस्ट में हेल्प करेंगे। मीन वाइल कैसे जीटीओ टास्क में जो हेल्पफुल रहेंगे और इंटरव्यू साइकोलॉजी हम सारे एंगल्स को कवर करते हुए यूट्यूब पे भी आपकी हेल्प करेंगे। मीन वाइल हमारा एसएसबी का ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों कोर्स अवेलेबल है और इसमें आप जब इनरोल करते हैं हमारा ये नहीं है कि आपको 5 डेज हमारे पास बुलाया और फिर आपको ये प्रोसेस अवेयर करवा दिया और फिर भेज दिया। इसमें आप कंप्लीट गाइडेंस में रहते हैं, वेटरन्स के जो आर्म फोर्सेस में सर्व कर चुके हैं या इस फील्ड में इतना एक्सपीरियंस रखते हैं कि ना जाने कितने लोगों का वो सपना पूरा करने में उनकी हेल्प कर चुके हैं और वो स्टूडेंट्स आज आर्म फोर्सेस में डायरेक्टली सर्व कर रहे हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स को जब तक आपका एसएसबी नहीं हो जाता तब तक हम आपको हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड करवाएंगे। इसमें एक डिटेल कोर्स हमारा रहता है 30 डेज का, 45 डेज का, लेकिन इस कोर्स के बाद भी आप अगर चाहें मॉक इंटरव्यूज देना तो आप एसएसबी से पहले वो दे सकते हैं, और आप चाहें कि अदर चीजों के रिगार्डिंग भी आपके कोई डाउट अगर आते हैं तो वो भी आप कंप्लीटली रिजोल्व कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको फर्दर कुछ ऐसी नीड है कि मुझे आगे सीएपीएफ एग्जाम की भी तैयारी करनी है या सीडीएस एग्जाम में मुझे और कोई गाइडेंस चाहिए या डिफेंस रिलेटेड किसी और एग्जाम में आपको गाइडेंस चाहिए तो वी आर हियर टू हेल्प यू। आप फ्रीली आप हमें इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच, जय हिंद।